हेलो फ्रेंड, और हमेशा की तरह आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक वॉल इन्फॉर्मेशन। तो आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ रेडमी नोट 11 के बारे में। तो इसमें मिल जाता है आपको 98 एमुलेट डिस्प्ले और बहुत सारे इसमें वेरिएंट है, 6 GB और 4 GB रैम और 6 GB 128। तो मेरे पास 128 है। तो चलिए आप इसे अनबॉक्सिंग करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब इसे अनबॉक्सिंग करते हैं। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो ये रहा अपना फ्रेंड फोन। वाह क्या लुक है फ्रेंड, बॉडी क्वालिटी एकदम मस्त है और यहाँ पे जो फिनिशिंग दिया हुआ है एकदम बेस्ट क्वालिटी लगा मुझे। कैमरा लुक्स भी बढ़िया है और बिल्ड क्वालिटी ठीक ही लग रहा है मुझे और डिस्प्ले। तो चलिए इसे आप साइड में रखते हैं, उसके बाद देखेंगे पहले क्या क्या मिलता है इसके अंदर। तो अभी इसे आप देखते हैं इसके अंदर, तो मैं साइड कर लेता हूँ। इसमें है सिम टू टूल किट, तो इसे भी मैं साइड में रख लेता हूँ। उसके बाद मिलता है इसमें केस कवर और ये डॉक्यूमेंटेशन, इजीली इसे कोई नहीं पढ़ता तो मैं भी इसे साइड में रखता हूँ। और ये केस कवर इतनी क्वालिटी ठीक तो नहीं है लेकिन एवरेज है। चलिए इसे मैं भी यहाँ पे रख देता हूँ। और आपको इसमें मिल जाता है चार्जर, 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर। और चलिए इसमें रख देता हूँ। और USB टाइप सी, बिल क्वालिटी मुझे ठीक ठाक लग रहा है। तो चलिए अब इसे मैं साइड कर लेता हूँ। तो ये रहा फ्रेंड फोन, लाइट वेट है और इसमें 5000 का एमएएच की बैटरी है। मैं सोचा बहुत ही हैवी होगा और क्योंकि 5000 का बैटरी है, लेकिन लाइट वेट है और इजीली अब इजीली कैरी कर सकते हैं। तो चलिए इसे ऑन कर लेते हैं। तो फ्रेंड फाइनली फोन ऑन हो चुका है, लुक्स में मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे है फिंगरप्रिंट सेंटर और इसे आप लॉक भी कर सकते हैं। आजकल यूजुअली जो नए फोन आ रहे हैं इसमें लॉक स्क्रीन के साथ ही फिंगर सेंसर आ रहा है और ठीक ठाक काम कर रहे हैं, बेटर है। और इसके वेट की बात करें तो 100 के आसपास ही कुछ ग्राम का होगा, ये मुझे इस तरह का फील आ रहा है जो पकड़ के। और इसमें लगा हुआ है 3.5 का जैक और आगे स्पीकर है टॉप में, उसके बाद यहाँ पे नीचे भी स्पीकर है। फिर इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 680 प्रोसेसर मिल जाता है, तो पावर एफिशिएंस है इसमें, तो प्रोसेसर तो मुझे ठीक ठाक लगा आपको। और इसमें डिस्प्ले मिल जाता है 98 एमुलेट डिस्प्ले, फुल HD डिस्प्ले मुझे ठीक ठाक लगा, बेटर क्वालिटी मुझे लगा इस डिस्प्ले पे। और 98 का आपका रिफ्रेश रेट मिल जाता है जो बेटर क्वालिटी है मेरे ख्याल से। और इसमें आपको मिल जाता है 1000 Hz की ब्राइटनेस। और इसमें iOS की बात करें तो 13 iOS मिल जाता है जो बेस है 100% और कंपनी का कहना है कि आपको 3 ईयर्स तो अपडेट मिलेगा इसमें। और इसमें आप गेमिंग कर सकते हैं मीडियम सेटिंग पे, हाई पे आप करने पर इसमें हैंग होता है। तो मैं इसमें मीडियम में खेल के देखा तो ठीक मीडियम में चल जाता है ठीक ठाक। देखिए यहाँ पे मैं खेल रहा हूँ ठीक ठाक है यहाँ पे, लेकिन आप हाई पे यहाँ पे नहीं खेल पाओगे। और इसके बात करें गोरिल्ला ग्लास के बारे में, इस तरह कुछ डिस्क्रिप्शन में लिखा नहीं है कि गोरिल्ला ग्लास क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ मेंशन नहीं है यहाँ पे। और फिर इसे कैमरे की बात करें तो मेन कैमरा है इसमें 50 MP का, अल्ट्रा वाइड है 12 MP का और डेप्थ है 2 MP और माइक्रो है 2 MP। और उसके मेन कैमरा 50 MP कैमरा गुड है। मैं तो मैं कुछ फोटो ले चुका हूँ, देखिए मैं फोटो लेके चुका हूँ तो सेटिस्फाई है 50 MP। और इसके फोन कैमरा की बात करें तो फोन कैमरा है 16 MP, तो मैं कुछ फोटो क्लिक किया हूँ यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे बेटर है, लेकिन मुझे इतने सेटिस्फाई नहीं मिला क्योंकि कलर कुछ अपने आप ही चेंज हो रहा है। जो सेटिस्फाई नेचुरल कलर होना चाहिए वो मिल रहा नहीं है फ्रंट कैमरा में। और 50 MP में आप 1080p रिकॉर्ड कर सकते हैं, 4K वीडियो पे आप रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, तो ये एक डिसएडवांटेज है। पहले रेडमी नोट 7 में आप 4K तक रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन रेडमी 11 में आप 4K रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ना जाने क्यों इसमें ये 4K वीडियो शूट नहीं कर पाएंगे। और इसके सेंसर की बात करें तो ये है लॉक
लॉक स्क्रीन साथ आप फिंगरप्रिंट, आजकल जो नए फोन आ रहे हैं लॉक स्क्रीन के साथ ही फिंगरप्रिंट है, तो इजी होता है इसे ऑपरेट करने में, और सेंसर ठीक ठाक काम कर रहा है, और अप डाउन वॉल्यूम है और ठीक ठाक है, और इसमें आपको मिल जाता है नोटिफिकेशन लाइट। और डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले इसके लिए एमुलेट डिस्प्ले मिलता है बेटर, इतने रेंज में आपके 13,500 से स्टार्टिंग है, इतनी रेंज के अंदर बेटर डिस्प्ले मिल जाता है, तो बेटर है। और स्पीकर की बात करें तो स्पीकर इसमें बेस्ट क्वालिटी का साउंड मुझे मिलता है, तो चलिए एक साउंड को टेस्ट कर लेते हैं इसमें। तो फ्रेंड साउंड में इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, स्टोरियो स्पीकर लगा हुआ है, इसमें बेस्ट क्वालिटी का साउंड है, तो इसकी बात पे एक लाइक तो जरूर बनता ही है। ओवरऑल रेडमी 11 के बारे में बात करें तो बेटर क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी ठीक है, प्रोसेसर आपको ठीक है, स्पीकर बेस्ट है, और डिस्प्ले 13,500 के अंदर आपको इतनी बड़ी डिस्प्ले मिल रहा है, एमुलेट डिस्प्ले मिल रहा है, तो ये बेस्ट है। और कैमरे के बारे में बात करें तो मुझे कैमरे में एक डिसएडवांटेज लगा कि आप 4K वीडियो शूट नहीं कर पा रहे, तो ये एक डिसएडवांटेज है, आप 4K वीडियो शूट नहीं कर पा रहे। और हैंड फील एकदम मुझे बेस्ट लगा, हैंड फील अब लाइट वेट है, और 5000 का बैटरी MAH है, और आप इसे इजीली क्रैक कर सकते हो, लाइट वेट है, बस ये एक चीज ठीक है। तो कुछ चीज अच्छी लगी, कुछ चीज इतनी सेटिस्फाई नहीं है, फिर भी 13,500 के अंदर ये क्वालिटी बेस्ट है। और अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताइए। तो आई होप फ्रेंड ये इन्फॉर्मेशन आप सबको पसंद आया होगा, तो इसी तरह का टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।